नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जाना। ये शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। रोसड़ा थाना क्षेत्र में 7 मार्च 2020 को लालपुर चौक रामनगर भटोतर के सुनसान सड़क पर दरभंगा के मसाला कारोबारी जीवज प्रसाद चौधरी से अपराधी द्वारा पिस्तौल एवं चाकू का भय दिखाकर 4,09,950 रुपए की लूट की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार मसाला कारोबारी जीवज प्रसाद चौधरी बखरी हसनपुर गढ़पुरा एवं रोसड़ा बाजार से बकाया वसूली कर जा रहे थे। उसी दौरान 4 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 7 अपराधियों द्वारा संध्या करीब 7:30 बजे पिस्तौल एवं चाकू का भय दिखाकर घटना को अंजाम दिया था। मसाला कारोबारी रोसड़ा थाना में कांड संख्या 91/20/15 मार्च 2020 को दर्ज करवाई थी। कांड संख्या दर्ज होते प्रशासन चौकस हो गए। साथ ही पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोसड़ा के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में रोसड़ा थाना अध्यक्ष अमित कुमार, रोसड़ा थाना SI राजकिशोर सिंह, SI प्रमोद कुमार मंडल, SI राजीव रंजन एवं रोसड़ा सशस्त्र पुलिस बल टीम में शामिल थे। दरभंगा के एक मसाला कारोबारी हैं जीवस प्रसाद चौधरी जी, उनके साथ मसाला का व्यापार करने के क्रम में जब रोसड़ा थाना क्षेत्र में आए थे तो वहां पे 4 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों के द्वारा इनके साथ लूटपाट की घटना की गई थी। कुल 4,09,950 रुपए की लूट हुई थी, जो संध्या में करीब 7:30 बजे घटित हुआ था ये घटना। इसके बाद इनके द्वारा वे वापस चले गए थे। घटना के कुछ दिनों के बाद आकर उन्होंने FIR दर्ज कराया रोसड़ा थाना कांड संख्या 91/20/15 को। इसके बाद घटना के बाद एक विशेष टीम का गठन SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में, SHO रोसड़ा और अन्य पदाधिकारियों की टीम बनाई गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर राजकिशोर सिंह, सब इंस्पेक्टर PK मंडल और ASI राजीव रंजन कुमार रोसड़ा थाना को टीम में शामिल किया गया। इसमें से बाद में कुछ मानवीय सूचना के आधार पर अन्य बिंदुओं पर पता चला कि जो मसाला व्यवसायी जिस मैजिक गाड़ी पर सवार थे, उनका जो चालक है बेचन पासवान, उसकी गतिविधि संदिग्ध पाई गई है। क्योंकि जब वो घटना हुई थी तो उस समय उसकी गतिविधि, जिसे हम लोगों ने बातचीत के क्रम में लगा, तो उस पर जब हम लोगों ने एनालिसिस करना शुरू किया तो ये एक लाइनर की भूमिका में था। वो अपने सारे इनके मूवमेंट के बारे में एक क्रिमिनल सुरजीत को जानकारी दे रहा था, जो इनके गांव का था, बिरौल दरभंगा का, और सुरजीत के माध्यम से अमरजीत को जानकारी दी जा रही थी। और अमरजीत अपने लोगों को जो शामिल थे, जैसे चंद्रशेखर पासवान उर्फ चलवा और अमरेश महतो को ग्राउंड पे जानकारी दी जा रही थी। कुल गिरफ्तार अपराधी इसमें 3 हैं, जिसमें जो ड्राइवर शामिल था वो है बेचन पासवान, दूसरा है चंद्रशेखर पासवान और तीसरा है अमरेश महतो। जो चनवा उर्फ चंद्रशेखर पासवान है, ये दरभंगा में भी लूटपाट के केस में वांछित है। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है, जिसमें हमारे रोसड़ा थाना क्षेत्र में ही कुल इसका 5 आपराधिक इतिहास रहा है। अन्य आसपास के थाना क्षेत्रों से हम लोग ले रहे हैं। इसमें से घटना के समय जो पैसा, मोबाइल इत्यादि बैग में रखा हुआ, तो वो बैग बरामद कर लिया गया है और अपराधियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिसका प्रयोग उन्होंने घटना कारित करने में किया है। इस तरह से इस घटना का सफल उद्भेदन किया है। पैसे की बरामदगी और अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं।